हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स की, उसकी प्राइस, उसकी लॉन्च डेट, उसकी फुल स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरे मोबाइल बेस्ट है। व्हाट कहता है Xiaomi Mi 10T Lite, बात करें इसकी स्पेशल की तो इसमें एंड्रॉइड का V10Q है, 6GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 750G है, डिस्प्ले इसमें 6.67 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका IPS LCD है। बात करें कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा है, 64+8+2+2 MP का, और फ्रंट कैमरा इसमें 16 MP का। स्टोरेज इसमें 64GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 512GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 4820 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 24,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 24,000 के अंदर आ जाए, देखते हैं Xiaomi इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसकी लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 16 नवंबर 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। पे आता है ब्लैक शॉट 3 प्रो, बात करें इसकी स्पेशल की तो इसमें एंड्रॉइड का V10Q है, 8GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 865 है, डिस्प्ले इसमें 7.1 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका एमोलेड है। बात करें कैमरा की तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है, 64+13+5 MP का, और फ्रंट कैमरा इसमें 20 MP का। स्टोरेज इसमें 256GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, और SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। बैटरी इसमें 5000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 42,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 42,000 के अंदर आ जाए, देखते हैं ब्लॉक शार्क इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसकी लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 5 नवंबर 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 3 पे आता है Asus Zenfone 7, बात करें इसकी स्पेशल की तो इसमें एंड्रॉइड का V10Q है, 6GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 865 है, डिस्प्ले इसमें 6.67 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका एमोलेड है। बात करें कैमरा की तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है, 64+12+8 MP का, और यही कैमरा फ्लिप होकर सेल्फी के लिए यूज होगा। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 2TB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 5000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 45,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 45,000 के अंदर आ जाए, देखते हैं Asus इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 26 नवंबर 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। और पे आता है Lenovo Legion, बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V10Q है, 8GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 865 प्लस है, डिस्प्ले इसमें 6.65 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका एमोलेड है। बात करें कैमरा की तो इसमें डुअल रियर कैमरा है, 64+16 MP का, और फ्रंट कैमरा इसमें 20 MP का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, बट SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। बैटरी इसमें 5000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 35,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 35,000 के अंदर आ जाए, देखते हैं Lenovo इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 23 नवंबर 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 5 पे आता है Xiaomi Mi Note 10 Lite, बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V10Q है, 6GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 730G है, डिस्प्ले इसमें 6.47 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका एमोलेड है। बात करें कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा है, 64+8+5+2 MP का, और फ्रंट कैमरा इसमें 32 MP का। स्टोरेज इसमें 64GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, और SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। बैटरी इसमें 5260 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 20,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 20,000 के अंदर आ जाए, देखते हैं Xiaomi इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 10 नवंबर 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। तो दोस्तों, ये थे टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.